यहाँ गोंड चित्रकला कार्यशाला जनजाति संग्रहालय भोपाल द्वारा पद्मश्री दुर्गा भाई व्यास गोंड चित्रकार, उनके द्वारा जो यहाँ कार्य हो रहा है हम आपको उसको दिखाते हैं और उनसे मिलवाते भी हैं। अद्भुत कला का प्रदर्शन, जहां भी देखें अपने आप में एक सुंदर फ्रेम बन जाता है। झाबुआ के कलाकार यहां आकर बना भी रहे हैं, गोंद कलाकार जो अलग अलग शैलियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कलाकार जातीय रन बांकुरे चित्र दीर्घा, यहाँ ये कलाकार बना भी रहे हैं। वाह कितना सुंदर। नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? अरे वाह, नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? इनकी आवाज थोड़ा, अच्छा डिंडोरी जिला से हैं। हाँ, और हम लोग आदिवासी समाज से। जी जी मालूम है मुझे। और हम लोग, मेरा नाम सुभाष सिंह व्याम है, ये दुर्गा बाई व्याम है और ये सुशीला मरावी है। आपकी बेटी भी है ना यहाँ पे बना रही? जो बेटी अभी फ्रांस गई हुई है मेरी बेटी। अच्छा, वो भी इस कला में है। और हम लोग 30 साल से हम गोंड आदिवासी पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, और किताब में भी काम किए हैं भीम अम्बेडकर के बारे में और बच्चों के लिए बड़े के लिए, करीबन 12-13 किताब। आप सब कथाओं के ऊपर ही बनाते हैं जितना जो है? यहाँ भी क्या क्या बना रहे हैं? ये हमारी जो ये कटिंग का काम है, ये सब कथा पे है, सब कहानी पे है। कौन कौन सी कथाओं के ऊपर बना रहे हैं? हमारे जो कहाँ है, जो दादी नानी जो बताए हैं, जो पुरखा लोग बताए वही कहानी से हम लोग, जैसे जो रीति रिवाज है आदिवासी का उसके आधार से बनाते हैं। जी, तो आपके यहाँ से कोई पुरस्कृत कलाकार भी है? पद्मश्री है? अरे वाह वाह, क्या बात है जी, आपको नमन है जी। किस वर्ष पद्मश्री मिला था? 22 अभी इसी वर्ष मिला था। अरे वाह जी वाह, जब मोदी जी और राष्ट्रपति जी के सामने जो नलनी कमलनी जी को भी मिला ना, वो मेरी बहनें हैं दोनों, जो कथक डांसर है ना दोनों बहनें। चलिए बहुत खूबसूरत, क्या नाम है इनका पूरा? दुर्गा बाई व्याम। ये दुर्गा बाई जी हैं जिनको इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला। और ये देखिए सचमुच इनके द्वारा बनाया गया चित्रण, मतलब बेसिक ड्राइंग आपने की पहले और फिर कलर बाकी आर्टिस्ट भी साथ करते हैं। ये हेल्प के लिए हम लोगों का और लोग हैं। हाँ जी, हम लोग पूरा कथा है ये नर्मदा जी के अमरकंठक से लेके, हाँ अमरकंठक से लेके, जो ये अमरकंठक के पास में जितना गांव है उनके रीति रिवाज क्या है, कैसे ये माता जी के नर्मदा जी के आश्रय से कैसे जी रहा है, उनका जीवन कैसे हो रहा है, उसको दर्शाते हुए हम इसको समझता ये कथा बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं नर्मदा का उद्गम स्थल जो अमरकंटक है, वहाँ से ये पूरी चित्रकला शुरू होके, और आप देख सकते हैं और समुद्र तक नर्मदा नदी जो जा रही है, और उसके किनारे रहने वाले जितने रीति रिवाज हैं हमारे आदिवासियों के, उन सबको आप चित्रण कर रही हैं। कितना सुंदर, देखिए अभी जब बन के तैयार होगा तो सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत कृति होगी। ये विश्व में ऐसा काम देखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये देखिए जी,
हटा दो एक बार, फिर दोबारा लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, जल्दी आपको ये जो है यहाँ एग्जीबिशन में लगा हुआ दिखाई देगा, नर्मदा की पूरी कहानी अमरकंटक से आरंभ होकर और उसके किनारे जितने भी हमारे आदिवासी गांव, उनके रीति रिवाज, उन सब को दर्शाती हुई ये पेंटिंग है। सचमुच में बहुत अद्भुत काम है जी, आपको नमन है। कितने पेंटर काम कर रहे हैं इसको यहाँ पे? अभी हम लोग काफ़ी दिनों से, करीबन अभी साल भर हो रहा है। ये 200 फीट है। 200 फीट का, और कितने कारीगर काम कर रहे हैं? ये हम लोग मेन तो तीन है, तीन चार है, लेकिन सहायता करने वाले और पांच लोग हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जी, वाह जी वाह, बड़ा मज़ा आ गया जी। आपको शुभकामनाएं, आप ऐसा अच्छा कार्य कर रही हैं, और मैं अभी आपको आदिवासी मंत्री जी से भी मिलवाऊंगा, अर्जुन मुंडा जी से।